हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। नहीं और बहुत अच्छा दिन है, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, मौसम भी बहुत प्यारा है। और ये देखिए आप, मौसम बहुत अच्छा है। क्या मौसम बहुत ही अच्छा है? क्योंकि बारिश हुई है सुबह हल्की हल्की। और दोस्तों, मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत मंजर जो मैं रोज देखता हूँ। कि मैं इन बर्ड्स को पानी डालूंगा और ये नहाएंगे। मैं डालूंगी, आप नहीं डालोगे? डालूंगी मैं। चलो ये भी सही है। और एक बहुत खुशी की बात है कि इनका पेयर लग गया। ये बॉक्स में मेल को मैंने जाते हुए देखा। ये बुशा ने पानी लगा दिया। अब आप इनकी खुशी की इंतहा देखिएगा। ये भी है, इसमें भी जावर। और वो होगरोमो, ये लव बर्ड्स, और ये जावा का सबसे पुराना पेयर। और वर्षा ने पानी तो डाल दिया है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लग गई हैं। ये क्या किया, दो जगह क्यों पानी लगा दिया? ये निकाल लीजिए, ये हाँ निकाल, उल्टे सीधे काम कर रही है सारी। और दोस्तों, पिकनिक का भी डन हो गया, आपको बताया। ये देखें, ये भी पेड़ लग गया। दिख रहा है दोस्तों आपको, ये पेड़ लग गया। अब मैं इसको भी ना मटकी लगाऊंगा, और ये होगरोमो के बच्चे भी आएंगे। खुदावंद ने चाहा, पता नहीं कितने अंडे देगी, पर आएंगे जरूर। चलो ये सबका पानी लग गया। इनको भी बहुत जल्दी बॉक्स लगा दूंगा, बस कुछ ही दिनों में। ये देख, बुशा पानी लगा रही थी तो ये डर के पीछे हो गए थे। इससे पता चलता है कि ये पेड़ लग गया है और अभी ये अंडों के लिए तैयार है। ये देखें, ये हो गोरोमो। क्या और इतनी तेज फ्लाई करती है, आपको शायद आवाज आ रही हो इसके परों की। तो जैसे जैसे ये देखें, ये भी आ गई है। अब ये भी नहाएगी। ये देखें, बुशा दाना नहीं डालना था, दाना नहीं डालना था। अब ये नहाएंगी तो ये गीला हो जाएगा, निकाल दो। ये मैं भी बीच में बैठा हूँ ना, थोड़ा डर रही है। यहाँ पे भी डालो बुशा पानी, इन जावा को। हाँ, और मैं आपको बता रहा था कि पिकनिक का डन हो गया और पिकनिक पे जाएंगे, खुदावंद ने चाहा तो कल ज़रूर जाएंगे। ये नलका देखें, नलका देखें, वहाँ का वहीं है। ये नहीं सही होगा, ऐसे ही रहना। काला संडे ना होता है और ना ही काला संडे आना है और ना ये लग रही है। ये देखिए दोस्तों, नहा के ना अपने पर सुखा रही हैं। ये देखिए, बहुत तेज़ पर हिलाती हैं, अपने फ्लाई करती हैं। ये देखें, मैं और कोशिश करता हूँ।
अच्छी वो नहा रही है, साइड वाली इधर वाली दिखाओ, वो बच्चा वो जहाँ चाह रहा है वो भी आके बैठी है, आएगी फिर से आएगी। हाँ हाँ ये मेरी वजह से ना नहीं नहा रहे, डर रही हैं थोड़ी कि मैं थोड़ा दूर जाऊँ। देखें कैसे नहा रही है, पूरी गिली हो गई। हाय 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 कितनी प्यारी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी लग रही है नहाते हुए। ओए ओए पूरी अंदर चली गई है। ये ऐसे रोज दोपहर को जब हम पानी चेंज करते हैं फिर ये नहाती है। इनको नहाने का बहुत शौक है। ये आपकी वजह से नहा रही है इस साइड। हाँ ये देखिए ये भी आ गई, ये भी नहाएगी। पहले ऐसे ऐसे अपनी बी चोंच डिप करते हैं बीक फिर टेल। और ये तीनों कॉकटेल नीचे पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, वो खा रहा है। इनको आसिफ अलग करने लगे हैं दूसरे केज में। तो ये देखो आसिफ ने यहाँ मटकी लगाई है। ये बिल्कुल बिल्कुल ये आपको मैंने अभी अभी दिखाया ना कि ये पैर लग गया, अभी अंडे देंगे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से मैं मटकी लगा दी है। और अब इनमें से एक पेयर आसिफ, इन दोनों में से एक पेयर को आसिफ यहाँ डालेंगे इस वाले केज में। सिर्फ यहाँ पर कुछी सेट कर रहे हैं इनका मटका, उसके अंदर ये अंडे देते हैं। और ये देखें फ्रेंड्स ये नहाई हैं तो ये अपने पर इतनी जोर जोर से मारती हैं, ये देखें ये ड्राई करती हैं अपनी बॉडी को। बहुत रही है तो खैर है, वो तो पतले से होते हैं उनसे कोई मसला तो नहीं। हाँ होते तो हल्के। हाँ अब मुझे उसका जो है ना वो निकालना पड़ेगा। आसिफ अब निकालने लगे हैं ये और इसके अंदर डालेंगे। और बुशरा ये तो दिखा दो पहले क्या कि हमारे पास पहले सिर्फ एक ये पिंजरा और ये एक पेयर था। और उसके बाद अब देखो एक वो बड़ा है। और ये कितने सारे पेयर हैं इनके। ये चारों इसके अंदर है, ये देखें ये चारों आसिफ ने इसके अंदर डाल दिए। ये दूसरे केज में से निकाल के इसके अंदर करती है। और दोस्तों इसी तरह ना ये जावा का भी पेयर लग गया, ये जो तीन है ना इनमें से एक मेल है दो फीमेल है, इनका भी पेयर लग गया। और मैंने मेल को देखा बॉक्स में जाते हुए तो इसमें इनके ये अंडे देंगे। इसके लिए ये मैं लाया हूँ नेस्टिंग के लिए ये ग्रास सूखी हुई, इसको मैं लगाऊंगा अभी कैंची का। और ये देखें ये फीमेल अपने बेबी को, कॉकटेल की माँ अपने बेबी को खाना खिला रही थी। अभी ये इनका बेबी देखें एक बड़ा हो गया, एक हमने सब्सक्राइबर को दे दिया था और ये मेल है ये भी चला जाएगा। यासिफ के बड़े भाई हैं इनको देना है हमें। आसिफ ये काट रहे हैं ये घास, ये फिर आसिफ इसके अंदर डालेंगे जो आसिफ ने जावा का पेयर, हाँ जावा का पेयर लगाया है। बहुत आसिफ इस पर मोटी मोटी सी नहीं है, मोटी के अलावा कम भी है और सही भी नहीं। बहुत मोटी मोटी सी
यहाँ से डाल के लाएंगे, लगाएंगे। और ये जो वो जावा है ना, ये उठा उठा के लेके जाते हैं। ये जावा स्पैरो अपना नेस्ट खुद नेस्टिंग करती है, वो खुद अपना सर्कल सा बनाएगी, फिर उसके अंदर वो रहते हैं। हम नहीं सेट कर सकते क्योंकि उनको पसंद नहीं आता, वो निकाल के फेंक देती हैं। तो यासिफ अभी कटिंग कर रहे हैं और फिर यासिफ अंदर डालेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, यासिफ अंदर डाल दो, ये रख दिए। इतनी तेज ये जावा उड़ती है ना। दो दिन पहले फिर ऐसा हुआ, मैंने जावा के यहाँ खीरा डाला हुआ था, उसको निकालने के लिए मैंने गेज खोला और जावा स्पैरो निकल कर आके उड़ गई। शुक्र है इस साइड पे आई और इस साइड से गमले के पीछे आ गई। उस दिन मैं कपड़े धो रही थी, मैंने उसके ऊपर एक शर्ट ही फेंक दी और उसको जल्दी से पकड़ लिया, वरना फिर मेरी क्लास हो जानी थी और जावा ने उड़ जाना था। लेकिन खुदा का शुक्र है बच गई। ये देखो उसने चेंज किया सब, जिस तरह मैंने डाला था ना, ये बंद कर रही है। ये देखो सब कुछ, ये देखिए ये साइड से बंद कर देगी आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं ये रख तो रहा हूँ, ये देखो गोल कर दिया उसने अंदर, पर ये उसको पसंद नहीं आएगा, वो इसको अभी सेकंड चेंज करेगी। ये आप देख रही हैं कितना से एरिया में, और कुछ एक दो दिन में मैं आपको दिखाऊंगी ये बंद कर देगी बिल्कुल। इट्स मीन कि ये अंडों के लिए बिल्कुल तैयार है अंडे देने के लिए। तो दोस्तों पिकनिक का भी डन हो गया और काम भी कर लिए, ये ग्रास भी लगा दी है। अब ये खुदावंद ने चाहा तो ये भी बच्चे देंगे बहुत जल्दी अंडे सारी, और वो जावा का पहला प्यार जो है मेरा बच्चों का वो भी देगा कुछ ही दिनों में, मुझे उम्मीद है खुदा से कुछ ही दिनों में देगा। और रही बात पिकनिक की, तो पिकनिक तो डन है, कल हम जाएंगे पिकनिक पे। ठीक है ठीक है, तो ठीक ही होगा। और सीआईडी की टीम गई भी है फार्म हाउस देखने के लिए और पिकनिक के अरेंजमेंट्स के लिए, इसलिए वो अभी हमारे साथ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो बड़े जोश में है, उनको बड़ी एक्साइटमेंट है पिकनिक की, तो इसलिए हम दोनों अकेले बेचारे फंसे हुए। तो इन खुदावंद ने चाहा तो हम ज़रूर पिकनिक करेंगे कल और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो वो देखने के लिए आपको हमारा व्लॉग लाजमी देखना पड़ेगा, और लाजमी देखना है क्योंकि नॉयल भी खुश होगा, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे नॉयल के लिए अच्छा है। नॉयल की एनर्जी जो वेस्ट हुई है, इतनी मार खाई है, वो सब पूरी हो जाएगी। और सब्सक्राइब रुक गए मेरे ख्याल से 58 पे आके 358, और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। व्यूज आ रहे हैं पर इतने नहीं आ रहे। चलो कोई बात नहीं, बस शुक्र है खुदावंद जो है, बस शुक्र है जो हम इस तरह भी बहुत खुश हैं जो खुदावंद की मर्जी। बिल्कुल, और इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। व्लॉग कल का मिस मत कीजिएगा, और अभी तक अगर किसी ने आसिफ के पेट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो लाइक और सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो कल मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। ओके बाय।